वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज का ब्लॉग रहेगा ऋषिकेश टू नीलकंठ। तो वीडियो को लाइक करें, प्यार करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो एंड तक देखना प्लीज़। सो गाइस प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारे व्यूज़ देना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो हम जा रहे हैं आज घूमने बहुत टाइम बाद आफ्टर वन ईयर। सो काफ़ी आपको इंट्रोडक्शन देख के पता ही चल गया होगा ये मेरी बेस्टी है जो कि एक फ्रेंड है। तो हम एक साल पहले मिले थे और अब फिर आई है यहाँ पर देहरादून में घूमने आई है, तो मैं घुमाने ले जा रहा हूँ इन्हें। तो अभी जा रहे हैं ऋषिकेश। तो आज का सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम काफ़ी ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। देख के तो पता ही चल रहा होगा, थोड़ा बकचोदी भी करने वाले हैं और लोगों से समझ रहे हो आप अभी मिलने वाले हैं। तो ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, तो ब्लॉग को एंड तक देखना। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो हम आज का ब्लॉग हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा रात 3-4 बजे उठे थे। इसकी ड्रेस देख सकते हो कितनी फेकू लग रही है, बहुत बकवास लग रही है। और इसे देख सकते हो कितना लिए हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए। इनकी ड्रेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इन्होंने कम से कम 1-2 घंटे के बीच में लगा दिए ड्रेस में, सुबह से पहन रही थी। तो अब फाइनली निकल चुके हैं, अब ऋषिकेश की ओर निकलेंगे यहाँ से देहरादून से। हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, बस यहाँ से मिलने वाली ऋषिकेश के लिए, यहाँ से बस पकड़ेंगे। तो मेरी तरफ जरा क्यों रही है पहले ये बताइए। मुझे लगा कि हम लोग ऋषिकेश पहुँच गए ये सोच रही ऋषिकेश पहुँच गए, तो अभी बस नहीं आई और धूप पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ऊपर बादलों को देख के तो पता ही चल रहा होगा बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार। और अभी टाइम हो रहा है, टाइम बता दूँ 11:24 हो रहे हैं। तो इतने टाइम पर यार बहुत ज़्यादा धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा भयंकर। तो इन दोनों की जिन्होंने क्रीम लगाई थी ना वो क्रीम उतर चुकी है, तो इनका साफ साफ चेहरा सामने आ गया है, जो सच है वही आ गया है। तो सारी क्रीम उतर चुकी है, सच है वही आ गया है। पहले नहीं था ये, पहले थोड़ी अच्छी लग रही थी, थोड़ा पाउडर। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, हम आ चुके हैं दोबारा अपने ब्लॉग में। हमें मिल चुकी है देहरादून से ऋषिकेश की बस और इसकी क्रीम बिल्कुल ही उतर चुकी है। कौन सी क्रीम लगाई है? हमें अब चार की बात करते हैं। फाइनली हमें मिल चुकी है गाड़ी जो कि ऋषिकेश तक पहुँचाई, जो कि 80-80 रुपए ले गई मोहम्मदपुर से वहाँ करके। तो भैया ने बैठा दिया हमें, तो ये जा रहे थे थोड़ा बुकिंग में लेके जा रहे थे, तो फिर हमें बैठा दिया, बोल रहे इतने इतने रुपये लेंगे, तो इनके सही है। और वहाँ का भी देख के पता चले क्या हो रहा है, बारिश तो नहीं हुई है, तो बारिश हो रही होगी तो बकवास सारा बेकार हो जाएगा। हो गया ना यहाँ से सिर्फ 1,000 रुपये ऋषिकेश से 1 रुपये की सवारी नहीं मिलती है, हमें ये चक्कर है। उधर से नहीं मिलती है, उधर से नहीं मिलती ना, ये चक्कर है। अच्छा इतना 1,000 में ही गया, लटक गया मैं, ये सोचो आप। तब हम एक्स्ट्रा मांगते हैं और राम झूला की तरफ कोई जाता नहीं। आप लोगों को कहाँ जाना है? हमें लक्ष्मण झूला, राम झूला छोड़ूंगा, लक्ष्मण झूला तो गाड़ी जा नहीं रही है, राम झूला छोड़ूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो बस अड्डे तक का 80 रुपए? अरे ना यार, ना भाई, हम पहली बार 100-100 रुपए लगेगा वहाँ तक का। रुपए बढ़ाते जा रहे हैं, देखो अंकल जी ने बढ़ा दिए रुपए। इन दोनों से पूछते हैं, इन दोनों का वो कह रहे थे हर नहीं भाई क्या करो, ये कमीशन दे के हमारे सामने आया है भाई जी, 350 ले लिया वहाँ से। क्या बात कर रहे हैं, बर्बाद होने वाले हैं। अगर चुपचाप आप मुझे मिलते तो मुझे आप कहीं भी चले जाओ, एक दूसरे को देगा, एक दूसरे को देगा, तब सवारी तब। मुझे परेशान कर रही है दोस्तों, देख बहुत
दोस्तों तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जानकी पुल। तो जानकी पुल को देख कर पता ही चल गया होगा आपको, दिखाएंगे अभी पीछे का व्यू दिखाएंगे। तो तू फर्स्ट टाइम आई है ऋषिकेश में, तो कितनी एक्साइटेड है? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इस वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि गाड़ी से आए थे तो इसको पलटी वगैरह आने का भी थोड़ा डर था। वॉमिट नहीं हो रही थी लेकिन ना बहुत ज्यादा ना इरिटेशन हो रही थी रोड को देख के, एकदम थोड़ा रोड ऐसे था ना, तो ये झूठ बोल रही है ऐसे पलटी होने हो रही थी इसको ज्यादा। तो वही बात है, वेरी वेरी। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं जानकी पुल और यहाँ का व्यू देखे हो गए ना दोस्तों, तो एक नंबर व्यू, एक व्यू तो पहले गंगा जी पर बैठ के थोड़ा सुकून पाएंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। तो रिया तू कैसे साइलेंट है, रिया थोड़ा बोलना, रही है पता ना क्यों रिया के ना थोड़ी ऐड घुस गई है थोड़ा थोड़े थोड़े थोड़े, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही कुछ है, कॉल आ गई थी तो मैं कॉल अटेंड कर रही थी। तो हमने इससे भी बोला था हमारी रील बना दे, तो इसने रील बनाने के लिए मना कर दिया क्योंकि इसे जलन बहुत ज्यादा हो रही है, हम दोनों से समझ रहे गर्मी हो रही है। और तो अच्छा एक चश्मा ले लिया है इसने, बहुत अच्छा क्यूट सा लग रहा है चश्मा। तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मैंने अपनी टी शर्ट डाल ली अपने ऊपर। और अब नीलकंठ तक का प्लान पैदल, समझ रहे दोस्तों मट्टी कटने वाली मेरी आज तो, और गर्मी में ना बहुत ज्यादा, तो इधर छांव दी गई इसे तो वहाँ जाने। और अभी कुछ नहीं खाया भाई आज तो बर्बाद, कुछ खाएंगे भी नहीं क्योंकि पैसे नहीं है देख रहे हो, इसके पास पैसे नहीं है, लगता है इसमें पैसे नहीं होंगे, पैसे है ही नहीं, मैं पैसे लेके ही नहीं आती। पर रिया तू लेके आई है? मैं बिना पैसों कहीं नहीं जाती हो भाई, हमारी बैंक है ना, वो बैंक है ना, वो बैंक यानी कि बैंक दो है। फाइनली हम ना गंगा के घाट पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और यहाँ पर बन रहा है खाना, अंकल जी बना रहे खाना, हम उनके पास जाके खाना खाने वाले हैं। पोपट बना रहा है तुम्हारा, ऐसा कुछ ना है दोस्तों, कुछ भी आता है पोपट बनाते रहते तुम्हारे ब्लॉग में, ऐसा है दोस्तों अभी तक मैंने पोपट बनाया नहीं, बनाया है ना। तो यार सच्ची देखो पीछे खाना बनता होगा, देख दिखाऊंगा, अंकल जी बना रहे थे जो वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर उनकी शॉप वगैरह है, जान पहचान है इसके रिलेटिव, इसके दूर के चाचा है मेरे, क्या तेरे मेरे चाचा है, यानी कि हाँ मेरे चाचा है, कोई बुरी बात थोड़ी ना, चाचा ही तो है सारे पानी भाई। ज्यादा हम पहुंच चुके हैं गंगाई घाट पर, तो गंगाई घाट पर व्यू बहुत ज्यादा गर्मी है आज ही है यार, यानी हम आए ना तो आज गर्मी तो होनी बनती थी, या तो आज गर्मी हो रही है। और पीछे अपने महादेव, यहाँ पर आकर सुकून मिल गया है दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ा सुकून मिला है, पीछे बाबा को देखकर सुकून मिल जाता है, यहाँ सुकून मिल गया है। और वहाँ जाना इसके लिए अलाउ नहीं है, बाकी हम लोगों के लिए अलाउ है, और वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं होगा, अलाउ होगा बंद है, बंद बता रहे हैं। तो लॉक लगा हुआ था इधर, तो कूद के चलते हैं ना, गंगा में कूदने के प्लान बना लिया इसने है? यस, हम जंप करके जाएंगे, बहुत एक्साइटेड होने वाला है, चीज दिखाना बहुत ज्यादा हंसी आएगी आप लोगों को भी। एक अंकल जी एक डॉगी को नहला रहे हैं, बहुत ज्यादा पिटाई भी लगा रहे हैं उसकी, देखो दिखाने वाला हूँ, देखो देखो अंकल तो दोस्तों गंगा में कुत्ते को नहलाना, और इनसे ज़्यादा प्यार कोई कर सकता है जो कि अपने एक डॉगी से कर रहे हैं प्यार, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप लोगों को, देख सकते हो कितना प्यार कर रहे हैं अपने कुत्ते से। तो हम गंगा की पार्क आ चुके हैं जो कि एक भोलेनाथ की, यह अच्छी व्यू है, बहुत एक्साइटेड वाली जगह है। तो यहाँ पर तो ये लगा रही है हमारी गुड़िया तिलक इसके महादेव का, तो इसे रुपये देने पड़ेंगे, टेंशन मत ले, फ्री में कुछ ना है, सब बर्बादी का।
तो बेटा मुझ पे खुले रुपए नहीं है। कितने पैसे लेती बेटा? पढ़ाई ना करती है तू? हैं? कौन सी क्लास में है? अच्छा दूसरी में। अच्छा तो दूसरी क्लास में पढ़ती है और अपना यहाँ पर भी हम पे पैसे नहीं है, हम हो चुके हैं कंगाल इसकी वजह से। इसने देख रहे हो ऊपर से नीचे तक का सेटअप देख रहे हो, 10,000 रुपये का बैठा इसका सेटअप। दोस्तों इस गुड़िया को लग रही है भूख, तो मैं इसे कुछ खिलवाने वाला हूँ। बेटा क्या खाएगी? हैं वो खाएगी सपड़ी है, तो ये कुछ खाने वाली है तो इसे मैं दिलवाने वाला हूँ। क्या खाने वाली है? क्या चीज? क्या ये क्या चीज़ है उनके लिए? पेयर बोलते हैं इसको। पेयर के ये पेयर खाने वाली है। हाँ कश्मीर का नट। रुक जा रुक जा रुक जा, पॉलीथिन में डालेंगे अभी अंकल जी। सब खा लियो हैं? इतनी भूख लगे और बाकी तू बच्चों को दे दियो। तो यहाँ पर अंकल जी से हमने ले लिए इसके लिए केले, तो इसे भूख लग रही थी काफ़ी तेज, तो इसके लिए केले दिलवा रहा हूँ मैं। तो केले ले ली, पकड़ी बेटा, मैं इन्हें पैसे दे दूँ अभी, रुक जाए एक मिनट। तो मैंने केले ले लिए हैं और मैं इन बच्चों को खिलाने वाला हूँ। जो भी यानी कि यहाँ भूखा जो तिलक पलक लगा रहा होगा उन बच्चों को मैं खिलाऊंगा यार, और इसे जितने खाने होंगे उतने इसके लिए दे दूंगा, बाकी मैं और किसी को दूंगा। तो मैं केले ले आया हूँ और दो भूखे और खड़ी है हमारे साथ। इन दोनों को सबसे ज़्यादा भूख लग रही है, इन दोनों को सबसे ज़्यादा भूख लग रही है इन लोगों को, क्योंकि हमने रात से कुछ भी खाया है। इतनी झूठ बोल रही है बहुत भाई, इन्होंने ना सुबह ही सुबह ना बहुत कुछ खा चुकी है, बट मुझे अभी ना पता क्या क्या खाया है। हेलो एवरीवन, तो आप देख सकते हैं ये चोचूसी शकल के दोनों लगवा चुके हैं, सॉरी लगवाने जा रहे हैं तिलक, और मेरे ऑलरेडी लग चुके हैं। तो ये एक पहला चोचू और दूसरी चोचू वो खड़ी है, दोनों चोचूसी शकल के हैं, आप देख ही सकते हैं इतनी चोचूसी शकल के हैं ये, ठीक है, बहुत ज्यादा चोचू है। और इतना पोपट काटते हैं ना आप लोगों का, ये कुछ पूछो। मैं आ चुकी हूँ ब्लॉग में, तो मैं आपको हर चीज क्लियरिटी से सही सही बताऊंगी। ये लोग बहुत ही ज्यादा पोपट काटते हैं, हमारे पास में भैया बैठे हैं और ये अपनी वीडियो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं भैया, यानी कि हम क्योंकि आपको लगता है कि मुझे बोलने की तमीज नहीं है, जल्दी बताना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारी छोटी सी प्रिंसेस को भी देखिएगा आप, आज हम लोग पैसे लेकर नहीं आए हैं। हेलो करो बेटा, हेलो करना, हेलो, बहुत प्यारी सी बाबू है। तो गुड़ी जो गुड़िया को भूख लग रही थी, मैं उसे खाना खिला रहा हूँ, जो भी कुछ है मेरे पास, जो भी था, गरीब था बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास जो बजट बना उसके हिसाब से मैंने इसे केले दिलवा दिए और वो खा रही है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सुबह से, मॉर्निंग से यहीं पर थी बट बता रही थी ऐसा था। और ये वाली देख रहे हो, इस लड़की को तो ना कितना भी खिला दो भाई, कोई ऐसा ना मानती है, उसने तिलक तब भी लगवा दिया मगर इतने तो अभी तक ये भी ना खाया उन्होंने, ये चल नहाने चल रहे हो, उधर नहाने ले जाए ये भी ना। और इसे दूसरी वाली को देख रहे हो, इसकी फीलिंग बताओ यार, कैसी लग रही है, इसका चेहरा देख के क्या लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत ज़्यादा क्या एक्साइटेड, क्योंकि ये ना अरे ऋषिकेश सेकेंड बार आए ना तुम लोग, तो ज़्यादा ही एक्साइटेड है, और ये तो फर्स्ट टाइम है। तो गंगा की घाट पर आकर बहुत ज्यादा शांति और एक एक्साइटेड वाली फीलिंग आ रही है, यानी कि यहाँ शांत है, गर्मी पड़ रही है तब भी ना एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, जो कि एक नंबर फीलिंग है, क्योंकि यहाँ आके ना दिल को शांति मिलती है, सबसे बड़ी बात यह है। और कभी भी आओ आप घूमने आओ तो ऋषिकेश जरूर आए, हरिद्वार आते हो तो ऋषिकेश आना बनता है, क्योंकि यहाँ पर ना यार बहुत एक्साइटेड और एक सुकून वाली जगह है, जो कि पहाड़ों के बीच में से गंगा निकल के आ रही है, जो कि एक देवप्रयाग से संगम बनता है हमारा, वहाँ से गंगा निकल के यहाँ प्रकट होती है, यहाँ से अपनी एक रुद्र रूप यानी कि एक अच्छे उसमें यानी कि समतल जगह में जाती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं यहाँ से, यानी कि इससे आगे थोड़ा एक हरिद्वार पड़ता है, वहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं थोड़ा, उससे अकॉर्डिंग उससे एक आगे थोड़ा सा, तो यहाँ का एक नंबर व्यू है थोड़ा सा बहुत बेस्ट। तो ये दोनों मेरे पीछे पीछे आ चुकी हैं दोनों, तो ये अच्छी सुंदर है नहीं, इसकी सेम फेस देखोगे ना सामने से तो ये कहोगे इससे अच्छे थे ना वो सड़कों पे घूमते हैं वो बेहतर है। सीधे हरिद्वार जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा बच्चों दी होने भाई, मुझसे पूछो मेरे दिल से पूछो, बहुत रो रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मेरी मट्टी खराब कर दी है इन्होंने, अब हरिद्वार के लिए बोल रही है भाई, गंगा तो यहीं से जा रही है, यहाँ नहीं आ नहीं रही, वहाँ कैसे नहाएंगे ये बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो,
तो जो कि अगली वीडियो जो कि सेकंड पार्ट आने वाला है इससे भी बेस्ट, तो वो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम? आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा वो देखना, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि उसमें हम नहाने वाले हैं और मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ेंगे, किस पे चला जाएगा किस पे नहीं चढ़ा जाएगा वो भी देखने वाले हैं, कितनी गर्मी फील होती है, कितना कुछ होता है, क्या होता है, सब उसमें मज़ा आने वाला है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बोलो जय भोलेनाथ।